तो ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है तब्दीली। अब तब्दीली हमारे पास बहुत बहुत तरह की होती है ग्राफिक्स के अंदर, तो हम दो तरह की तब्दीली यहाँ पर आज समझ रहे हैं। एक स्केल स्केल ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसको कहते हैं साइज चेंज करना आसान अल्फाज में, और एक रोटेट ट्रांसफॉर्मेशन होती है। मतलब और भी होती हैं लेकिन दो हम आज में कवर कर रहे हैं, एक स्केल ट्रांसफॉर्मेशन है और एक रोटेट ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये दो हम ट्रांसफॉर्मेशन जरा आज में करते हैं। तो स्केल होती है साइज तब्दील करने वाली ट्रांसफॉर्मेशन। एक शेप मैंने बना ली, इसका कलर मैं येलो कर देता हूँ। अब बनाने के बाद अगर हमने इसका कलर तब्दील इसका अगर हमने साइज तब्दील करना है तो कैसे करेंगे? सेलेक्शन टूल लेंगे। अच्छा, अगर साइज की बात करेंगे हम तो साइज में दो चीज़ें आती हैं, एक विड्थ होती है और एक हाइट। विड्थ एंड हाइट दोनों आती हैं, ठीक है। अगर साइज तब्दीली की बात हो रही है मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों की बात हो रही है विड्थ की, तो किसी भी शेप के कॉर्नर वाले जो पॉइंट होते हैं ना ये साइज को तब्दील कर सकते हैं। कॉर्नर पे जो पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, तो अगर मैं कॉर्नर से इसको सिलेक्ट करने के बाद कॉर्नर पर माउस लेके जाता हूँ किसी भी कॉर्नर के ऊपर, तो जब मैं क्लिक प्रेस करके माउस को बाहर की तरफ लेके जाऊँगा साइज़ बड़ा होगा, और अगर इसको शेप के करीब लेकर आते हैं अंदर की तरफ तो साइज़ छोटा होगा। तो ये साइज़ चेंज हो रहा है, वेट हाइट दोनों तब्दील हो रहे हैं, ठीक है। किसी भी कॉर्नर से कर लेंगे, यहाँ से अगर आपने साइज़ छोटा करना है तो यहाँ क्लिक दबा कर ऐसे नीचे की तरफ ले आएँ, साइज़ छोटा हो गया। यहाँ से बड़ा करना है तो आप इस तरफ ले जाएँ, साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है, तब्दील भी हो गया। अगर आपने सिर्फ विड्थ को चेंज करना है यानी चौड़ाई चेंज करनी है तो दरमियान वाले दो पॉइंट, एक ये है और एक ये है, इधर से इधर खींचेंगे तो साइज विड्थ बड़ी हो गई है और इधर लेके आएंगे तो छोटी हो जाएगी। अगर आपने यहाँ से तब्दील करनी है तो यहाँ से भी आप तब्दील कर सकते हैं। अगर आपने हाइट तब्दील करनी है तो ऊपर और नीचे वाले दो पॉइंट होते हैं, इनको ट्रांसफॉर्म कंट्रोल कहा जाता है। ट्रांसफॉर्म मतलब तब्दीली और कंट्रोल मतलब उसके कंट्रोल, तो इसका टेक्निकल नेम ट्रांसफॉर्म कंट्रोल है। तो ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल ऊपर वाले के जरिए आप हाइट इसकी कम कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और नीचे वाले से भी आप इसको तब्दील कर सकते हैं। तो ये थी स्केल वाली ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, जब हम साइज़ चेंज कर रहे होते हैं ना तो इसमें एक मसला आ रहा होता है, वो मसला क्या होता है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक सिंबल के नाम से हमारे पास पैनल है, ये क्या होता है हम बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं इसमें से ये जो एक सिंबल है क्लिक दबाकर इसको मैं यहाँ लेकर आकर छोड़ूंगा तो ये यहाँ पर आ चुका है। अच्छा, अब ये इसकी अपेयरेंस देख लें, मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। अच्छा, अब इसका साइज़ हमने ना बड़ा करना है तो मैं कॉर्नर से इसको क्लिक दबा के रखता हूँ और साइज़ बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब मैंने ऐसे इसका साइज़ बड़ा किया, क्या इसकी अपेयरेंस तब्दील हो गई है? है ना, अपेयरेंस तब्दील हुई है ना। इधर देखें ये गोल सा नज़र आ रहा है, इधर क्या हो गया ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। या फिर ये ऐसा भी हो सकता था, देखिए अगर मैं कॉपी एक और बनाता हूँ इसकी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर रखता हूँ, ये देखिए अगर मैं साइज़ यूँ बड़ा करूँ, अब देखिए क्या भी तब्दील होगी अपेयरेंस, ठीक है। तो जब आप कॉर्नर से साइज़ तब्दील करेंगे तो इसमें एक मसला आ सकता है, आपका माउस जिस तरफ ज़्यादा जाएगा वो चीज़ ज़्यादा हो जाएगी। मतलब अगर मेरा माउस इधर ज़्यादा जाता है नीचे थोड़ा कम जाता है तो विड्थ ज़्यादा हो जाएगी, और अगर नीचे की तरफ ज़्यादा माउस आता है तो हाइट ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप बहुत एहतियात से भी तिरछा लेके जाएं, क्योंकि आपने साइज़ में ना तिरछा लेके जाना होता है, डायगनल लेके जाना होता है, डायगनल अगर आप बहुत एहतियात से भी लेके जाएँ तो फिर भी थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाएगा उसके अंदर, हो सकता है पता ना लगे लेकिन आ जाएगा। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है सिंपली कि आप जब साइज़ चेंज कर रहे हैं आप उसकी अपेयरेंस ख़राब नहीं करना चाहते, तो क्लिक करने के बाद क्लिक आपने प्रेस कर लेना है, इसको प्रेस करने के बाद शिफ्ट का बटन आपने प्रेस कर लेना है और फिर आपने इसको बड़ा करना है या छोटा भी करेंगे आप इसकी अपेयरेंस ख़राब नहीं होगी। देखिए माउस कहीं भी जाए, मिसाल के तौर पे चलें ये देखें मैं माउस इधर ले गया, ये ऐसा हो जाएगा क्लिक जब मैं छोड़ूंगा, लेकिन अगर मैं क्लिक छोड़ने से पहले शिफ्ट का बटन दबा लूँ तो आप देखिए ये आ गया ना, प्रोपोर्शन उसके मेंटेन रहते हैं। अब क्या करेंगे, शिफ्ट भी प्रेस किया हुआ है और क्लिक भी प्रेस किया हुआ है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपने क्लिक के साथ शिफ्ट प्रेस किया होगा तो पहले क्लिक छोड़ेंगे उसके बाद शिफ्ट को छोड़ेंगे, या कोई भी बटन हो सकता है मॉडिफायर कीज़ में, कंट्रोल हो सकता है, ऑल्ट हो सकता है। तो क्लिक के साथ अगर आपने ये प्रेस किए हुए हैं तो पहले क्लिक रिलीज़ करना है और फिर ये बटन आपने रिलीज़ करने हैं, तो ऐसे आप ये कर सकते हैं।
सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन रोटेट होती है, अगर आपने इसको घुमाना हो, रोटेट करना हो, तो किसी भी कॉर्नर से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। माउस को थोड़ा सा बाहर रखेंगे तो आपको टू हेडेड एरो नज़र आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो फेसेस वाला, टू हेड्स वाला एरो नज़र आ रहा है। जब ये आपको नज़र आए तो क्लिक प्रेस रखें और रोटेट करना, मतलब माउस को घुमाना शुरू करें, तो आपको ये रोटेट होता हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये थी जी रोटेट ट्रांसफॉर्मेशन।